हेलो व्हाट इज अप गाइस। तो हम आज के आपके लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर से, और आज की वीडियो ना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा कि आप अपने मतलब कि किसी भी सैमसंग के डिवाइस के अंदर जो यहाँ पर आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलता है ना, मतलब कि पे मिनी का, इसको मतलब कि परमानेंटली कैसे रिमूव कर सकते हो। तो यार एक रियल लाइफ इशू है, मैंने काफी सारी रियल लाइफ इशूज पे वीडियो बनाई है जिसपे आपका काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मतलब कि इस डिवाइस के अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर सॉरी सैमसंग के, इस चीज को आप कैसे इजिली मतलब कि फिक्स कर सकते हो। तो ये वाले मतलब कि सबको दिक्कत आती है, और ये मैंने वीडियो के लिए इसको दोबारा यहाँ पर लेके आया हूँ, क्योंकि मैंने ऐप को ओपन करके मतलब दोबारा चेंज किया है, तो उसके बाद मेरा ये आ गया है। पहले मेरा बिल्कुल नहीं आता था, मैंने इसको हटा रखा था। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको सिंपल स्टेप्स में बता दूंगा कि आप इसको कैसे यहाँ से रिमूव कर सकते हो, और ये परमानेंट मतलब कि सॉल्यूशन भी हो सकता है किन किन डिवाइसेस के लिए, और किसी डिवाइस में परमानेंट नहीं होगा, बट एक टेम्परेरी मतलब आपको देखने को मिल जाएगा 15 से 20 दिन के लिए। उसके बाद आपको ये मेथड दोबारा अप्लाई कर लेना है, तो आपका डिवाइस में दोबारा ये काम करने लग जाएगा। सो काफी कमाल वीडियो होने वाली है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो ये जो सैमसंग पे मिनी है ना, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, मतलब कि कहीं पर भी पे वगैरह कर सकते हो इसकी मदद से। तो ये वाला आपको ऐसे देखने को मिल जाता है। ये अभी तो इतना ज़्यादा अनोइंग नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने जो यहाँ पर मतलब कि नेविगेशन बटन से ये लगा रखे हैं, इसलिए अनोइंग नहीं लग रहा। बट जो जनरली आजकल जो बंदे यूज़ करते हैं वो गेस्चर सिस्टम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। मैं खुद पर्सनली गेस्चर सिस्टम यूज़ करता हूँ, तो मैंने ये वीडियो के लिए लगा के दिखाया, आपको बहुत ज़्यादा अनोइंग लगते हैं। बट जो गेस्चर सिस्टम में दिक्कत आती है ना, वो आप जब भी मतलब होम स्वाइप करते हो ना, तो मैक्सिमम टाइम्स मेरे साथ भी होता है कि ये वाला जो कार्ड है ना, ये सैमसंग पे मिनी का, ये वाला स्वाइप हो जाता है, ना कि होम बटन आता है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है और बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। तो आप इसको ईजिली कैसे हटा सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मतलब कि जो सैमसंग पे मिनी की एप्लीकेशन है यहाँ पर आ जाना है। उसके बाद क्या करना है, आप इसके ऊपर होल्ड एंड टैप करना है, और यहाँ पर आई बटन पर आपको क्लिक करना है, तो आप इसकी मतलब कि जो ऐप इन्फो है उसमें चले जाओगे। तो यहाँ पर देखो आपको तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी, दो या तीन चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर आपको मतलब यहाँ पर डिफॉल्ट की अगर आपके पास कोई परमिशन दे रखी है इसको, तो ये डिफॉल्ट से हटा देना, क्योंकि जो नीचे आप मतलब कि आता है वो डिफॉल्ट सेटिंग से ही आता है, तो इसको हटा देना। मैंने यहाँ पर देखो नो सेट एज डिफॉल्ट कर रखा है इसको, मैंने सारी परमिशन हटा रखी है। देन उसके बाद अगर आप बात करें अपीयर ऑन टॉप, जो सबसे मेन दिक्कत आती है, अगर आपने कोई एक्सटर्नल ऐप यूज़ किया होगा जस्ट लाइक नेविगेशन बटन चेंज करने के लिए, या फिर वॉल्यूम के जो मतलब कि पैनल है उसको चेंज करने के लिए, तो आपको यहाँ पर एक अपीयर ऑन टॉप की परमिशन मांगता है। तो उसमें क्या है, ये सबसे टॉप प्रायोरिटी में रहता है, मतलब कि सबसे पहले यही आता है, तो इसको यहाँ पर से आपको इसको ऑफ कर देना है, तो ये टॉप प्रायोरिटी से हट जाएगा, मतलब कि अपीयर ऑन टॉप से हट जाएगा। और ये चेंज सिस्टम सेटिंग्स है, इसको भी अलाउ कर रखा है, इसको भी आपको डिसेबल कर देना है। और काफ़ी डिवाइसेज है, मैक्सिमम डिवाइसेज में ये परमानेंट चेंज हो जाता है, उसके बाद कभी भी आपको दिखाई नहीं देगा। बट जो ओल्ड डिवाइसेज है, जस्ट लाइक ये सैमसंग A50 यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये थोड़ा ओल्ड डिवाइस है, लगभग 3 साल होने वाले हैं इस डिवाइस को। और इससे भी जो पुराने डिवाइसेज थे जो सैमसंग के 1 UI के साथ आए थे, तो उनमें प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर ये परमानेंट मतलब कि चेंज नहीं होता है। तो उन डिवाइसेज में ये परमानेंट नहीं होगा, वहाँ पर मतलब कि लगभग आपको 15 से 20 दिन के बाद दोबारा करना पड़ेगा। बट हाँ, इनफ है, 15 से 20 दिन में आप एक बार इसको दोबारा कर सकते हो। तो ये वाली सारी सेटिंग्स ऑफ करने के बाद क्या करना है, आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, यहाँ पर अनइंस्टॉल अपडेट्स कर देना है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में अपने आप ही अपडेट हो जाता है जब भी इसका कोई नया अपडेट आता है। तो अपडेट हो जाने के बाद अब आपको इनको चेंज करना है। मैंने सॉरी पहले चेंज कर दिया था, मैं इनको दोबारा ऑफ कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और चेंज सिस्टम सेटिंग को भी मैं डिसेबल कर देता हूँ। और लास्ट चीज़ है, आपको फोर्स स्टॉप कर देना है ऐप को, और यहाँ पर ओके कर देना है। तो अब ये देख सकते हो आपको वाला जो मतलब कि हट चुका है अभी करंटली, और ये 10 से 15 दिन तक अगर आपका पुराना डिवाइस है तो बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। उसके बाद अगर दिखाई देता है तो आप डेफिनेटली इसको दोबारा ये प्रोसेस करना, और आपका ये यहाँ से हट जाएगा। बट अगर आपका एक नया डिवाइस है जो कि अभी करंटली लॉन्च हुआ है, मतलब कि 1-2 साल ही हुए हैं आपको लिए हुए, तो वहाँ पर ये प्रॉब्लम ज़्यादा फेस नहीं होगी, आपको बार बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिंपल सा शॉर्ट मेथड था जिसकी मदद से आप जो सैमसंग पे मिनी का जो कार्ड है उसको ईजिली हटा सकते हो। सो आई होप आपको वीडियो अच्छे लगे, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।